ओम सभी को नमस्ते जी। हरियाणा के लोगों का फिटनेस सीक्रेट, हरियाणा। जब भी ओलंपिक आता है पूरे वर्ल्ड में, तो हर ओलंपिक में भारत को हरियाणा का कोई ना कोई खिलाड़ी मेडल जरूर देता है। और अगर आप प्योर हरियाणा में जाओगे तो वहाँ आपको लड़कों की नहीं बल्कि बुजुर्गों की ग्रोथ शक्ति अच्छी देखने को मिलेगी, सबके शरीर तगड़े देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि लड़कियाँ भी, जिस माउंट एवरेस्ट पर कोई चढ़ नहीं पाता, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, वहाँ पर हरियाणा की बेटी संतोष यादव झंडा गाड़कर वापस आई थी। तो भाई लड़के हो लड़कियाँ हो और यहाँ तक कि बुजुर्ग ही क्यों ना हो, इन सब की फिटनेस आपको बहुत पावरफुल मिलेगी। अब इस वीडियो में इंटरेस्टिंग क्या है वो समझो। इस वीडियो में मैं वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि भाई हरियाणा के लोगों में तो अनक होती है, हरियाणा के तो दबते नहीं किसी से, बचपन से ही जोर है हमारे शरीर में, तो वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, फिटनेस सीक्रेट, नियम, कुछ चीज़ें हैं, खुराक है, वो चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो पुराने समय से चलती आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग, युवा जवान, सबकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है पूरे मतलब दूसरे लोगों के मुकाबले में। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है प्योरिटी। देखो जो बंदा असली चीज़ खाएगा दम भी उसी में होगा। अब यहाँ एक जो सबसे पहला रूल जो है हरियाणा में, जो घास चारा होता है, बरसी बोलते हैं जिसको यहाँ पे, उसमें यहाँ के लोग केमिकल नहीं डालते। मतलब भैंस गाय के लिए जो चारा है तो उस चारे में केमिकल नहीं डालते यहाँ के लोग, जिससे क्या होगा, दूध भी स्वस्थ होगा, गाय और भैंस भी स्वस्थ रहेगी और तगड़ी भी होगी। और जो खड़ होती है, दूध को बढ़ाने के लिए खड़ खिलाई जाती है भैंस को, गाय को, जिससे दूध बढ़ाया जाता है, ठीक है, वो खड़ भी प्योर मिलती है हरियाणा में। अगर आप प्योर हरियाणा में जाओगे तो वहाँ पर खड़ आपको बिल्कुल प्योर मिलेगी, जिससे क्या होगा, दूध बढ़िया बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का मोटा न्यूट्रिशन से भरपूर दूध मिलेगा। आप हरियाणा में कभी आओ तो यहाँ का देसी घी देखना, वो सब राज्यों से अलग है। अलग क्या है इसमें, तो भाई अलग ये है कि यहाँ का घी जो है वो मोटा है, बलशाली है, कोई साधारण बंदा नहीं पचा सकता। और दूसरी चीज़ फिर आ जाती है कि जो गाय भैंस को टीके लगवाए जाते हैं बच्चे के लिए, तो यहाँ नहीं है वो, यहाँ नेचुरल तरीके से होता है सब। तो ये एक कारण है जिससे हरियाणा के गाय भैंस जो है वो भी तगड़े हैं, उनका जो दूध है उसमें भी दम है। और दूध ही भाई मेन होता है डाइट में, ठीक है ना, तो दूध घी से बने जितने भी आहार है वो यहाँ पर लिए जाते हैं और वही न्यूट्रिशन ही मेन होता है, समझ रहे हो आप। हरियाणा के लोगों की फिटनेस का जो अगला राज है वो है ब्रह्मचार्य और पहलवानी। देखो वैसे तो पहलवानी में भी ब्रह्मचार्य आता है, ये चीज़ वैसे अब तो कम होती जा रही है, लेकिन ये चीज़ रही है हरियाणा में, ब्रह्मचारी बहुत रहे हैं। जो गुरुकुल अंग्रेज़ों के ख़त्म किए हुए थे अंग्रेज़ों ने गुरुकुल, उस तरह के गुरुकुल आपको आज के समय में हरियाणा में मिल जाएंगे। और वहाँ के यूथ को वो सिखाते हैं कि ब्रह्मचार्य का महत्व क्या है। इसके अलावा पहलवानी तो वहाँ का कल्चर रहा है। एक समय था जब भारत पूरी तरीके से गुलाम हो चुका था और लोग मतलब पटे हुए कपड़े पहनते थे, इतनी गरीबी इस देश में आई, तो भाई हरियाणा के लोगों का अपना एक सिस्टम रहा सब। मतलब यहाँ लोग सरकार के सहारे नहीं रहे, देखो इस तरह समझो, पैसा इंसान क्यों कमाता है, ताकि अच्छा खाए, फिटनेस अच्छी करे, बढ़िया पहन अच्छा सके। अब यहाँ एक कल्चर रहा है हरियाणा में शुरू से ही कि भाई अपना भैंस और गाय पालो, खूब दूध निकालो, पियो खूब दूध पियो, और शाम को या सुबह अखाड़े में जोर करो, बस यही ज़िंदगी का असली मजा है। शरीर को स्वस्थ करो, खेती करो, दूध घी के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आहार बनाओ, बस ये रहा हरियाणा की दिनचर्या। ज़्यादातर इस तरह की रही हमारे हरियाणा की दिनचर्या, जोरदार एकदम, बढ़िया खाओ, बढ़िया अपना वर्जिश करो, खेतों में काम करो, और हर तरह का मतलब अपना एक सिस्टम होता है ना कि भाई मुझे किसी के सहारे ना रहना पड़े, बस तो इस तरह अपना इस सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है ना, और आज भी आपको मिल जाएगा प्योर हरियाणा में जाओगे तो ये सिस्टम होता था। अब भाई सोचने की बात है, अब मान लो अगर आप इस तरह की दिनचर्या अपनाओगे, खुद ही खेतों में काम करोगे, जो आपको खाना है खुद अपने खेतों में लगाओगे, सब्जी और अपना फसल है जो आपका, ठीक है, जिस तरह की सब्जियां जो आपको खानी है पूरे साल वो आप अपनी खेतों में उगाओगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है, और इसके अलावा आप अपना दूध घी के आहार बना बना कर खाओगे, खेतों में काम करोगे, अखाड़े में भी जाओगे, तो इस तरह की दिनचर्या जब आप अपनाओगे तो भाई सीधी सी बात है आप तो तकड़े बनोगे ही दिमाग से और शरीर से, आगे आपकी संतान भी इसी तरह की मजबूत होगी। तो यही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे भाई, सबसे मेन रीज़न मैं ये भी मानता हूँ, ठीक है। अगली जो चीज़ आपको हरियाणा के हर जिम्मेदार के घर में मिल जाएगी वो है, बचपन से ही अपने लड़कों को खेती का काम सिखाते हैं, जिससे जो युवा है उसका ध्यान गलत जगह ना भटके। मतलब हरियाणा में ना एक पूरा ये सिस्टम बना हुआ है कि भाई वो काम करना है जिसमें शरीर का जोर लगे,
और वही काम आपको हरियाणा के लड़के करते हुए मिलेंगे, जैसे कि खेती हो गई, आर्मी हो गई, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इसमें आपको हरियाणा के लड़के सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बचपन से डाइट बहुत अच्छी रहती है हरियाणा में लड़कों की, तो सबसे मेन रीज़न ये भी है। ठीक है, और भाई खाने पीने में बहुत कम मिलावट है, ये तो सबसे मेन पॉइंट है ही। ठीक है, तो बस और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन सबसे मेन मेन चीज़ें खाने पीने की कुछ नियम, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई, कल्चर था जिसकी वजह से लड़के तगड़े होते हैं, जवान बूढ़े बुढ़ापे तक तगड़े रहते हैं सब, तो मेन रीज़न मैंने ये बता दिया। ठीक है, बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।